अब हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स की, यानी कि फाइलम एक रेनीय का, ठीक है। एक रेनिया में द टर्म एक रेनिया मीन्स विदाउट स्कल, ठीक है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। दिस डिवीजन इंक्लूड्स एनिमल्स विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट ब्रेन एंड क्रेनियम। ब्रेन ही नहीं होगा तो ब्रेन बॉक्स कहाँ से होगा, ठीक है ना। इनमें ब्रेन होता है ना इनमें ब्रेन बॉक्स, यानी कि क्रेनियम यानी कि स्कल ही नहीं होता। ब्रेन बॉक्स क्या है? ब्रेन बॉक्स हमारे स्कल ही तो है, जिसके अंदर ब्रेन हमारे इनक्लोज हुआ है और प्रोटेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद जॉज, RBC एंड पेयर अपेंडिजेस आर एब्सेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एब्सेंट हैं। इसके अंदर ना जॉज है ना रेड ब्लड सेल्स हैं, और क्योंकि ये कलरलेस ब्लड होता है इनका, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। नॉट अ कॉर्ड नेवर चेंज इनटू वर्टिब्रल कॉलम। इनका जो हमने ये भी पहले पढ़ा है कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर नॉट अ कॉर्ड सिंपल नॉट अ कॉर्ड रहता है, अनजॉइंटेड होता है इसकी इसका जो स्केलेटन है। जबकि अगर हम क्या कहते हैं वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स की बात करें तो उसका नॉट अ कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किस में कन्वर्ट होता है? वर्टिब्रेट्स में कन्वर्ट होता है। इनवर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड कभी भी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता, वो नोटोकॉर्ड ही रहता है। नोटोकॉर्ड क्या था? अनजॉइंटेड स्केलेटन था, ठीक है। ये जो ग्रुप है टोटल टू सब फाइला में डिवाइड होता है। टू सब फाइला हमने यहाँ पर देखे थे, कौन कौन से सब फाइलम? यूरोकॉर्डेटा और सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। तो ये एक रेनिया हम लोग पढ़ रहे हैं, हम इनकी यही दो सब फाइलम्स पढ़ेंगे, ठीक है। उन्हीं की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करना था हमें सब फाइलम से, तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। इस सब फाइलम के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ओनली इन टेल रीजन ऑफ लार्वा व्हाइल डिसअपीयर्ड इन एडल्ट, ठीक है। जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट होगा, लार्वा के टेल रीजन में प्रेजेंट होगा, बाकी जो एडल्ट होंगे उनके अंदर वो एब्सेंट होगा, डिसअपेयर। नर्व कॉर्ड ऑल्सो डिसअपेयर्स इन एडल्ट, ओनली डॉर्सल गैंग्लियन इज प्रेजेंट, ओके। सो आपको डॉर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, बहुत दफ़ा डिटेल में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर एडल्ट में नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट हैं, यहाँ पर एडल्ट में नर्व कॉर्ड भी एब्सेंट हैं। ये जो है ओनली डॉर्सल गैंग्लियन इज प्रेजेंट, सिर्फ एडल्ट में डॉर्सल साइड पर गैंग्लियंस प्रेजेंट होंगे। गैंग्लियंस क्या था? द नेटवर्क ऑफ नर्व्स। फिर उसके बाद द लार्वा आर फ्री स्विमिंग वाइल एडल्ट आर नॉन मोटाइल, ठीक है। लार्वा जो है वो फ्री होंगे, फ्रीली स्विम कर रहे होंगे, जबकि जो इनके एडल्ट होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, वो सेसाइल होंगे, वो नॉन मूविंग होंगे। इनके बॉडी जो है वो कवर हुई हुई होती है ट्यूनिक टेस्ट, देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा, एग्जाम्पल हर्डमेनिया मॉलगुलम। मुझे ये जो यहाँ पर कॉर्नर पर एग्जांपल की भी है मुझे समझ में नहीं आ रही, बहरहाल आप उसको देख लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड रन्स मिड डॉर्सली थ्रू आउट द बॉडी। इनका जो नोटोकॉर्ड होता है वो डॉर्सली प्रेजेंट होता है, वेंट्रल प्रेजेंट नहीं होता, डॉर्सल प्रेजेंट होता है और डॉर्सली मिड में प्रेजेंट होता है। इनकी पूरी बॉडी में इनका नोटोकॉर्ड चल रहा होता है। फिर हम डायग्राम से देख लेते हैं डिटेलिंग। नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, इनका चाहे लार्वल स्टेज हो चाहे इनका एडल्ट स्टेज हो, थ्रू आउट द लाइफ इनका नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड दोनों प्रेजेंट रहता है इनकी बॉडी में। इनकी एग्जाम्पल्स हैं एम्फियोक्सस, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा। अब इनकी डायग्राम्स को देख लो, यहाँ पर इस सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा की एग्जांपल है एम्फियोक्सस। इसे देख लो, लार्वल स्टेज ऑफ एस्काइडिया और एडल्ट एस्काइडिया। तो ये किसकी एग्जांपल्स थी? ये एग्जांपल थी इससे पहले वाले फाइलम की, और उसका जो है लार्वल स्टेज में कह रहे थे कि नोटोकॉर्ड भी होगा और नर्व कॉर्ड भी होगी और एडल्ट स्टेज में नहीं होगी। तो आप नोटिस कर लो यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लार्वल स्टेज में, जबकि एडल्ट स्टेज में कोई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो बस यही कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने